वेलकम डियर स्टूडेंट, आई प्रोफेसर रुपेश आर बोबड़े, सीनियर लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग एडब्ल्यूटी कंट्रोल्स। सम ऑफ द एडब्ल्यूटी कंट्रोल्स वी हैड सीन इन द प्रीवियस वीडियो, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग एडब्ल्यूटी कंट्रोल्स। So, dear students, the AWT controls we had seen, that is label, push button, checkbox, choice list, list, scroll bar, text area and text field. Among these labels we had seen, push button we had seen in previous video, text area we had seen and text field we had seen. In this video, we have to concentrate on checkbox, choice list, list and scroll bar control of the AWT. तो मूविंग टूवर्ड्स द चेकबॉक्स क्लास। अब चेकबॉक्स हमने सबने देखा है जीयूआई विंडो में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच हैज सम कैप्शन, जिसको कुछ ना कुछ कैप्शन होता है। तो चेकबॉक्स जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है स्टेट, एक होती है स्टेट और दूसरा होता है उसका लेबल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये स्टेट है इसकी अनचेक, और एक और जो एक सी प्लस प्लस उसका है लेबल। तो द चेकबॉक्स क्लास इज यूज टू क्रिएट अ चेकबॉक्सेस। अगर मुझे कोई चेकबॉक्सेस क्रिएट करने हैं तो मुझे चेकबॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। इट इज यूज टू टर्न एन ऑप्शन ऑन और ऑफ। अगर मुझे ऑप्शन टर्न ऑन कर, ये जैसे यहाँ पे ऑप्शन ऑफ है और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑन है, तो मुझे अगर ऑप्शन ऑन ऑफ करने हैं तो मुझे चेकबॉक्स का यूटिलाइजेशन करना है। अभी चेकबॉक्स आप यूज, आपने ऑलरेडी जी किसी ना किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चेकबॉक्सेस को यूज किया हुआ है। सो चेकबॉक्स अलाउज फॉर मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अगर है और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है तो आप चेकबॉक्स का यूज करते हो। जैसे अगर आप हॉबीज की बात करते हो तो अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन हॉबीज। एक आदमी के एक से ज्यादा हॉबीज हो सकते हैं, तो हमको हॉबीज को रिप्रेजेंट करने के लिए चेकबॉक्स को यूज करना पड़ेगा जीयूआई विंडो में। सो हाउ टू क्रिएट दिस चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए चेकबॉक्स के कंस्ट्रक्टर है, तो चेकबॉक्स के कंस्ट्रक्टर यूज करके हम चेकबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर है आपका चेकबॉक्स, विच क्रिएट्स अ एम्प्टी चेकबॉक्स। वो एम्प्टी चेकबॉक्स को क्रिएट करेगा विदाउट लेबल। सो अगर मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स CH1 इज इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स लिखा है, मतलब मेरा एक चेकबॉक्स क्रिएट होगा जिसको कोई भी लेबल नहीं रहेगा और बाय डिफॉल्ट उसकी स्टेट रहेगी अनसिलेक्टेड, मतलब वो सिलेक्टेड नहीं रहेगा। नेक्स्ट, चेकबॉक्स स्ट्रिंग str। बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर वी कैन क्रिएट अ चेकबॉक्स विथ सम टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, चेकबॉक्स CH1 इज इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स और उसको टाइटल दिया है C++। तो ये कंस्ट्रक्टर से अगर आपने चेकबॉक्स क्रिएट किया है तो आपको इस तरीके का चेकबॉक्स मिलेगा जिसमें आपने C++ टेक्स्ट है और एक चेकबॉक्स क्रिएटेड है विदाउट लेबल। थर्ड कंस्ट्रक्टर इज चेकबॉक्स स्ट्रिंग str बुलियन ऑन। अभी ये जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है इसमें दो पैरामीटर्स ले रहा है, वो स्ट्रिंग और बुलियन स्टेट। अगर मुझे बाय डिफॉल्ट किसी चेकबॉक्स को सिलेक्टेड स्टेट में रखना है तो चेकबॉक्स CST इज इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट पास करना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स। अगर मुझे सिलेक्टेड रखना है तो ट्रू और अनसिलेक्टेड रखना है तो फॉल्स, और बाय डिफॉल्ट इन दो कंस्ट्रक्टर से जो चेकबॉक्स क्रिएट होगा वो बाय डिफॉल्ट अनसिलेक्टेड ही रहेगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने एक चेकबॉक्स क्रिएट किया है जावा और उसमें स्टेट है हमारी सिलेक्टेड, दैट इज ट्रू। सो फिर इनके साथ ऑपरेशन करने के लिए मेथड्स प्रोवाइडेड है। तो अगर मुझे कौन सा चेकबॉक्स सेट हुआ है वो अगर रिट्राइव करना है तो गेट स्टेट मेथड विच रिट्रीव द स्टेट ऑफ द चेकबॉक्स वेदर इट इज ऑन और ऑफ। तो ये जो सारे मेथड्स है मुझे चेकबॉक्स के ऑब्जेक्ट के साथ यूज करने पड़ेंगे और चेकबॉक्स से ऑपरेशन करने के लिए सारे मेथड का यूटिलाइजेशन होगा। अगर कोई चेकबॉक्स सिलेक्टेड है या नहीं है वो स्टेट पता करने के लिए गेट स्टेट मेथड। रन टाइम में मुझे अगर किसी चेकबॉक्स की स्टेट को सेट करना है विच टेक्स द बुलियन पैरामीटर आइदर ट्रू और फॉल्स, तो अगर हमको सेट स्टेट को सेट करना है तो सेट स्टेट मेथड है।
अगर मुझे किसी चेकबॉक्स का लेबल रिट्रीव करना है, क्या लेबल उसको सेट है, तो देर इज अ गेट मेथड। अगर मुझे लेबल को सेट करना है रन टाइम में किसी चेकबॉक्स के, तो देर इज अ सेट लेबल मेथड। तो दीज आर द फोर मेथड्स विच आर वर्क विद द चेकबॉक्स। नेक्स्ट, सिमिलर वे आपने जैसे चेकबॉक्स देखा है, वैसे ही चेकबॉक्स के साथ साथ एक रेडियो बटन भी होता है किसी भी जीआर फॉर्म में। आपने जब कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा तो उसमें जेंडर के लिए आप देखते हो तो वहां पे रेडियो बटन होता है, दैट इज जेंडर आइदर मेल और फीमेल, और उसमें से कोई भी एक ऑप्शन ही रन टाइम में क्या होता है, सिलेक्ट होता है। जैसे आपको चेकबॉक्स मल्टीपल ऑप्शन रन टाइम में अलाउ करता है, बट अगर हम रेडियो बटन की बात करते हैं तो वो रन टाइम में सिंगल ऑप्शन को ही अलाउ करता है। तो अगर रेडियो बटन का ही दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेकबॉक्सेस, जो चेकबॉक्सेस ग्रुप में काम करते हैं और ग्रुप में सिंगल सिंगल ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं चेकबॉक्स ग्रुप और रेडियो बटन। सो टू क्रिएट अ चेकबॉक्स ग्रुप, हमारे अगर हमको रेडियो बटन क्रिएट करना है तो देर इज अ चेकबॉक्स ग्रुप क्लास इन AWT। देर इज अ नो स्पेशल कंट्रोल फॉर क्रिएटिंग रेडियो बटन इन AWT। अगर आपको रेडियो बटन क्रिएट करने हैं तो ऐसा कोई अलग से कोई क्लास या अलग से कोई कंट्रोल नहीं है, आपको चेकबॉक्स ग्रुप और चेकबॉक्स क्लास, ये दोनों क्लास के यूज करके ही रेडियो बटन क्रिएट करना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ चेकबॉक्स ग्रुप क्लास इज यूज टू ग्रुप टूगेदर अ सेट ऑफ चेकबॉक्सेस। नाउ एट अ टाइम ओनली वन चेकबॉक्स बटन इज अलाउड टू बी इन ऑन स्टेट एंड द रिमेनिंग चेकबॉक्स बटन इन ऑफ स्टेट। अगर तीन से चार अगर चेकबॉक्सेस है तो उसमें से एट अ टाइम कोई भी एक चेकबॉक्स ही सिलेक्ट चेकबॉक्स ही रेडियो बटन में क्या रहेगा, सिलेक्टेड स्टेट में रहेगा। नाउ कैसे क्रिएट करेंगे हम रेडियो बटन बाय यूजिंग चेकबॉक्स ग्रुप क्लास, तो यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है। चेकबॉक्स ग्रुप, पहले हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, चेकबॉक्स ग्रुप CBG इज इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स ग्रुप। आपने एक चेकबॉक्स ग्रुप क्रिएट किया और इसके इस ग्रुप के अंदर आपको चेकबॉक्सेस क्रिएट करने हैं। तो चेकबॉक्स वन, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इज इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स, उसका नाम है, लेबल दिया है उसको C++, और ये चेकबॉक्स ग्रुप CBG ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं और वैल्यू पास करिए फॉल्स। एंड चेकबॉक्स टू इज इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स जावा CBG, ये ग्रुप का नाम है, ट्रू। अभी ये CBG ग्रुप के अंदर दो चेकबॉक्स क्रिएट हुए हैं, एक है C++ और दूसरा है जावा। तो यहाँ आप देख सकते हो टू चेकबॉक्सेस आर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडियो बटन। जैसे आपका चेकबॉक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में होता है, वैसे आपका रेडियो बटन राउंड बटन में होता है। तो ये जो रेडियो बटन क्रिएट हुए, अगर आप C++ पे क्लिक करेंगे तो C++ सिलेक्ट होगा, जावा ऑटोमेटिकली डिसलेक्टेड होगा, और अगर आप जावा पे क्लिक करते हो तो C++ ऑटोमेटिकली डिसलेक्टेड होगा। इस तरीके से ये म्यूचुअली चेकबॉक्स ग्रुप काम करता है। नेक्स्ट इज द चॉइस क्लास। चॉइस क्लास इज यूज टू क्रिएट अ ऑप्शंस। अगर आपको पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस है और n नंबर ऑफ ऑप्शंस में से अगर आपको कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप चॉइस को यूज करते हो। आपने देखा होगा GUI विंडो में इस तरीके का आपको एक कंट्रोल दिखता है, जिसमें इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके की ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, और वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और वो ऑप्शन यहाँ पे अपियर होता है। जैसे आप फॉन्ट का एग्जाम्पल लेते हो, अगर वर्ड एप्लीकेशन में आप फॉन्ट सिलेक्ट करते हो तो आप फॉन्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, या फिर आप फॉन्ट साइज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉन्ट साइज पे आप क्लिक करते हो और वहां पे डिफरेंट फॉन्ट साइज दिए रहते हैं, उसमें से एक फॉन्ट आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। तो वहां वो जो कंपोनेंट होता है, दैट इज अ चॉइस कंट्रोल, और उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास चॉइस क्लास है। द ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस क्लास इज यूज टू शो अ पॉपअप मेनू ऑफ चॉइस। द चॉइस सिलेक्टेड बाय यूजर इज शोन ऑन टॉप ऑफ ए मेनू। ओनली वन ऑप्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन इन चॉइस। जितने ऑप्शन है उसमें से कोई भी एक ऑप्शन क्या होगा, सिलेक्ट होगा। नाउ कंस्ट्रक्टर क्या है, कैसे क्रिएट करेंगे? तो कंस्ट्रक्टर इज अ चॉइस, इट क्रिएट्स एन एम्प्टी चॉइस। एक एम्प्टी चॉइस क्रिएट होगा, मतलब उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट इट्स अ एम्प्टी चॉइस। अभी उसमें हमको ऑप्शंस ऐड करने पड़ेंगे,
तो देर इज एड मेथड टू एड दी ऑप्शन, वॉइड एड स्ट्रिंग नेम, जो भी आपको ऑप्शन एड करने हैं उतने बार आपको एड मेथड कॉल करनी है और ऑप्शन को एड करने हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे आइटम 1, 2, 3, 4, 5 ऐड किया तो यहाँ पे हमको चॉइस के ऑब्जेक्ट के साथ ऐड मेथड कॉल करनी पड़ेगी और यहाँ पे ऑप्शन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है वो अगर रिट्रीव करना है तो गेट सिलेक्टेड आइटम मेथड। जो भी आइटम्स होते हैं ऑप्शन में दो तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं, आइदर बाय इट्स नेम और बाय इंडेक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं चॉइस में वो आइदर बाय नेम और इंडेक्स। तो अगर मुझे किसी कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है उसका इंडेक्स रिट्रीव करना है तो गेट सिलेक्टेड इंडेक्स मेथड है। अगर कितने ऑप्शंस है उस चॉइस में वो अगर रिट्रीव करना है तो आइटम काउंट मेथड है। अगर रन टाइम में मुझे किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम इंडेक्स पास करेंगे, वो ऑप्शन सिलेक्ट होगा। अगर किसी नेम से हम नेम पास करके अगर हमको कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट मेथड यूज होगी। तो दीज आर द मेथड विच वर्क विद द चॉइस। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट AWT कंपोनेंट इज अ लिस्ट। नाउ चॉइस और लिस्ट दोनों ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं बट चॉइस और लिस्ट में डिफरेंस है। चॉइस में एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होता है, लिस्ट में मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट हो सकते हैं। दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करते हैं चॉइस और लिस्ट में तो लिस्ट को ज्यादा स्पेस लगती है GUI विंडो के ऊपर, मेरा चॉइस कॉम्पैक्ट होता है, उसके ड्रॉप डाउन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तभी ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं, बट लिस्ट में सारे ऑप्शंस एट ए टाइम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस वाले एग्जांपल और ये वाला जो लिस्ट है इसमें देखिए आप सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और उसमें से कोई स्पेसिफिक ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अगर लिस्ट का साइज छोटा है और अगर ऑप्शन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रोल बार अपीयर्ड होता है। सो The object of list class represent a list of a text item. User can choose either one item or multiple item. एक भी item select कर सकता है, एक से ज़्यादा भी item select कर सकता है. When the number of items in the list exceed the available space, the scroll bar will be displayed automatically. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर option ज़्यादा है और scroll list का size छोटा है तो scroll bar automatically आ जाएगा. उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या है, इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इज लिस्ट, लिस्ट L1 इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, इट क्रिएट्स अ एम्प्टी लिस्ट। नेक्स्ट इज लिस्ट इंटीजर नंबर ऑफ रोज, आपको कितने रोज विजिबल करना है उस लिस्ट के वो रहेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें पांच ही ऑप्शन जाएगा, ऐसा नहीं है, कितने नंबर ऑफ रोज विजिबल हो गए दैट इज 5। उसके बाद लिस्ट इंटीजर नंबर ऑफ रोज बुलियन मल्टीपल सिलेक्ट, ये जो दो होते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्टर और सेकंड कंस्ट्रक्टर से जो लिस्ट क्रिएट होगी इसमें हम एट ए टाइम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे बुलियन मल्टीपल सिलेक्ट में वैल्यू पास करनी पड़ेगी ट्रू। दिस इज द थर्ड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट, जैसे मेथड्स आपके स्ट्रिंग चॉइस के मेथड है वैसे ही लिस्ट क्लास के भी मेथड है। जैसे एड मेथड, अगर मुझे ऑप्शन एड करने हैं, अगर मुझे ऑप्शंस किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर ऐड करना है तो नेक्स्ट दिस मेथड स्ट्रिंग नेम इंटीजर इंडेक्स। मुझे अगर रिट्रीव करना है कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है तो गेट सिलेक्टेड आइटम मेथड। अगर मुझे पता करना है कि कौन से इंडेक्स का एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है तो गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। अभी इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट हो सकते हैं, इसलिए अगर मुझे वो सारे ऑप्शन रिट्रीव करना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग अरे ऑफ गेट सिलेक्टेड आइटम्स। वैसे ही अगर एक से ज्यादा ऑप्शन जो सिलेक्ट है उनके इंडेक्सेस रिट्रीव करना है तो इंटीजर अरे ऑफ गेट सिलेक्टेड इंडेक्स मेथड है। काउंट करना है कितने ऑप्शन सिलेक्ट हुए हैं तो गेट आइटम काउंट। सिलेक्ट मेथड टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड गेट आइटम मेथड टू रिट्रीव द आइटम ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स। नेक्स्ट इज द स्क्रोल बार। Every GUI window that contains the scroll bar, it may be horizontal or it may be vertical. तो scroll bar हम frames में या panel में use करते हैं, ये vertical horizontal scroll bar हमको provide करता है। scroll bar हम use करते हैं अगर हमारा container का size और component का size, अगर हमारा container का size small है component के size से तो हम scroll bar को use करते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्टिकल स्क्रोल बार क्रिएट होता है।